Welcome to the trap. Burn up. Burn out. Burn, burn out. Burn up again. प्रभु की इच्छा पूरी करो, आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? अरुण बुग्गल इस कार्यक्रम में मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ और आप सब लोग भी खुश हो ना? ठीक है दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि यीशु पिता ने जो आपको भविष्यवक्ता का अभिषेक प्रदान किया है वो दूसरे स्तर पर ले जाया जा सके और यीशु पिता की जो रहस्य है वो आप देख सके, उसमें आपकी मदद हो और उसकी आप भविष्यवाणी कर सको। अब हम देखने वाले हैं कि जो भविष्यवक्ता का अभिषेक प्राय हुए बच्चे हैं उनको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, वो अब हम देखेंगे। क्या आप देखने के लिए तैयार हो? चलो देखते हैं। हे, तुम्हें क्या हो गया है? इतने दुखी क्यों हो तुम? मुझे सपना आया कल रात। एक सपना? हर रात तुम नींद से जाग कर बैठ जाते हो और तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब होती है। क्या हुआ तुम्हें? मुझे ना हर रोज सपने आते हैं। तुम्हें क्या करना चाहिए पता है जॉनी? तुम उन सपनों का अर्थ नहीं समझ पा रहे हो? हाँ। तो तुम्हें कम से कम स्वप्न याद तो है ना? हाँ। ठीक है, तुम्हारी समस्या मैं समझता हूँ। क्या यही कारण है कि तुम इस बिस्तर के एक कोने में दुखी होके बैठे हो? देखो, मेरे पास एक दीदी है, चलो चलो, अगर मैं उनके पास तुम्हें ले गया ना तो वो तुम्हें सब सिखाएंगी कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, चलो बेड से उतरो, चलो। जुलियाना, और आपका नाम क्या है? एंटू जोएल। एंटू जोएल, कैसे हो आप लोग? अच्छे आंटी। ठीक है जुलियाना, अब हमारे पास एक नया दोस्त है, क्या आपने उसका स्वागत किया? नहीं आंटी। चलो स्वागत करो। स्वागत है। धन्यवाद। स्वागत है। धन्यवाद आंटी। ठीक है, अरुण मुगल कार्यक्रम में आप नए आए हो ना? हाँ, आंटी। क्या इस कार्यक्रम को आपने टीवी पर देखा है? हाँ। तो इस कार्यक्रम को टीवी पर देखकर आपने क्या सीखा है? अच्छे से प्रार्थना करनी चाहिए और मुझे प्रभु को देखने की इच्छा हुई। बहुत अच्छा, जिस तरह से आप जवाब दे रहे हो ना, मैं देख सकती हूँ कि आप यीशु पिता के संपर्क में हो, उनके साथ चलते हो, उनके साथ बात करते हो, ऐसा ही है ना? हाँ आंटी। भविष्यवक्ता का अभिषेक प्राप्त किए हुए आपको कितने साल हो गए हैं? मुझे 2018 में प्राप्त हुआ। अच्छा, 2018, मतलब आपको 2 साल हो गए ना? हाँ, हाँ। तो ये 2 साल में भविष्यवक्ता का अभिषेक आपके अंदर अच्छे से है और आप अच्छे से अभ्यास कर रहे हो ना? हाँ आंटी। हाँ जुलियाना, वैसे तो ये बहुत ही छोटा दिखता है, लेकिन उसने अभिषेक द्वारा जो भी प्राप्त किया है और जो उसे उजागर हुआ है वो बहुत ज्यादा है ना? हाँ आंटी। ठीक है, उसमें से कुछ आप हमें बताना चाहोगे? हाँ। यीशु पिता के प्रति मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि अच्छे से प्रार्थना करना चाहिए परिवार के लिए, यदि हमें कोई जरूरत हो या यदि शैतान हमें नुकसान पहुंचाना चाहता हो, तो उस विषय में मैं यीशु पिता से प्रार्थना करता हूँ। हाँ, प्रार्थना करता हूँ और मैं यीशु पिता से पूछता हूँ कि अगर
परिवार के विषय कुछ है हाँ, जिस विषय में मम्मी पापा ने मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा है, तो ऐसा पूछता हूँ। तो मैंने यीशु पिता से ऐसा कहा है कि वो हमारी रक्षा करे अपने स्वर्गदूतों के साथ, और अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए रखे ताकि हमारे कोई भी आशीर्वाद रुक ना जाए। और मैंने यीशु पिता से रक्षक स्वर्गदूतों की मांग की है। जब भी मैं मांगता हूँ, यीशु पिता कहते हैं कि वो मेरे लिए कर देंगे। आंटी, ओ बहुत अच्छा। तो आप यीशु पिता से हमेशा मांगते हो जो आपको चाहिए, और स्वर्गदूतों को आपने अपने घर आकर काम करते हुए देखा है। हाँ। तो रक्षक स्वर्गदूतों ने आपका किस तरह से रक्षण किया है? एक बार ना हम लोग, मेरे पापा हमको स्कूल ले जा रहे थे जो पास में ही है, तो क्या हुआ कि हमारे आगे एक गाड़ी आ गई और हम उनके पीछे थे। अचानक पापा ने ब्रेक लगाया और हम लोग बच गए। उस समय यीशु पिता ने हमारी रक्षा की। रक्षा की आपकी, नहीं तो आपके साथ क्या होता? टक्कर हो जाती और हम लोग गाड़ी से गिर जाते। आप और आपका परिवार गिर जाते? नहीं, मैं, दीदी और पापा जा रहे थे और गाड़ी हमारे आगे थी, और अचानक वो गाड़ी रिवर्स लेने लग गई और हमने देखा नहीं, और पापा ने भी बिल्कुल नहीं देखा था। और पता है क्या हुआ? यीशु पिता ने पापा से ब्रेक लगवाया और हम तीनों की रक्षा की। रक्षा की आपकी, देखा आपने। ठीक है, ये तो आपके परिवार के विषय में। देश के विषय में प्रार्थना करते वक्त यीशु पिता ने कुछ भविष्यवाणी दिखाई है? हाँ आंटी। यदि कोई तूफान आने वाला होता है ना, तो यीशु पिता मुझे या मेरे पापा को उसके बारे में उजागर करते हैं। आंटी, ठीक है, प्रभु ने किस तरह से तुम्हें उजागर किया है? वो मुझे बीच दिखाते हैं आंटी, जहाँ पर लहरें आती हैं और लोगों को उठा ले जाती है, लोग इधर उधर भागते हैं आंटी। ठीक है, तो वो देख के आप क्या करते हो? प्रार्थना करता हूँ आंटी, यीशु पिता ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों का नाश नहीं होना चाहिए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ आंटी। ठीक है, तो क्या यीशु पिता ने कभी आपसे कहा है कि आप उनके भविष्यवक्ता हो और वो अपने दिल की सारी बातें आपसे उजागर करेंगे, ऐसा कहा है? हाँ आंटी। हाँ, यीशु पिता ने मुझे कहा है कि मैं एक योद्धा हूँ और मुझे उन्होंने बहुत सी चीजें दी है आंटी। ओ, तो प्रभु आपसे बहुत सारे विषयों पे बात करते हैं ना। हाँ आंटी। तो जूलियाना सुनने में कितना दिलचस्प लगता है ना। हाँ आंटी। तो यीशु पिता जो है ना, अब कई बार जो मैं कहती हूँ आपको याद है जूलियाना, कि यीशु पिता हमसे बात करेंगे, उनके भविष्यवक्ता यानी हमें ढूंढने आएंगे और वो हमें सब कुछ बताएंगे जो हमें इस दुनिया से बताना है ना। हाँ आंटी। तो बहुत अच्छा, आपको यीशु पिता की इच्छा को पूरा करना है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम एक वचन पढ़ें। दानियल की किताब से 7वां अध्याय और पहला वचन कौन पढ़ेगा, बताओ मुझे। ठीक है, पढ़ो। बाबुल के राजा बेलशासर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न देखा, तब उसने वो स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। ठीक है, ये सब रात में हो रहा है। दानियल भविष्यवक्ता क्या करते थे? सोने से पहले प्रार्थना करते थे। जैसे वो सोने वाले थे, तो यहाँ पर क्या कहा है बताओ मुझे? दानियल को एक स्वप्न आया। जब वो सो रहे थे तो क्या हुआ? उनके सर में स्वप्न आया और दर्शन आया। उसका मतलब क्या हुआ? वो सोने ही जा रहे थे और उनको उस समय कुछ उजागर हुआ। वो एक सपना था पर वो एक दर्शन था, ठीक है ना। तो हम उसे एक दर्शन क्यों बुला रहे हैं? अगर हम आगे के वचनों को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि स्वर्गलोक की महिमा भरी चीजों को दानियल भविष्यवक्ता ने देखा है। आप लोगों ने भी इसी तरह देखा है? चलो मुझे बताओ उसके विषय में। यीशु पिता के साथ हम बैठे हैं और वो हमसे बात कर रहे हैं, और उसके बाद हम दर्शन भी देख रहे हैं। और यहाँ कौन कौन है? मैं हूँ, मेरी बड़ी दीदी है और मेरा छोटा भाई भी है, हम सब हैं। और वहाँ पर हम लोग, एक मैदान है वहाँ पर, हम लोग सब खुशी खुशी मैदान में बॉल के साथ खेल रहे हैं आंटी। तो ये मैदान पृथ्वी पर है कि स्वर्गलोक में? स्वर्गलोक में आंटी। तो आप खुशी खुशी स्वर्गलोक में खेल रहे हो? हाँ आंटी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आपने स्वर्गलोक के बहुत सारे कार्य देखे हैं। हाँ। यहाँ पर दानियल भविष्यवक्ता ने प्रभु की महिमा को देखा है, उन्होंने प्रभु के सिंहासन को देखा है, प्रभु के आसपास जो है वो देखा है, और सिंहासन के ऊपर और नीचे क्या है वो भी देखा है। स्वर्गलोक में बहुत सारी चीजें होते हुए वो देखते हैं, प्रभु और उनके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उस विषय में वो एक महान दर्शन देखते हैं। प्रभु और उनके विषय में वो एक महान दर्शन देखते हैं। और जब वो ये देखते हैं तो ये क्यों दिखा उन्होंने?
उन्हें समझ नहीं आता है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि जो कुछ उन्होंने देखा क्यों देखा, क्योंकि वो भयंकर था। और ये जो अध्याय है दानियल का, मैं आपको समय दूंगी, आपको ध्यान करना है, दानियल के सातवें अध्याय को पूरा पढ़ना है। जब आप पूरा पढ़ लोगे प्रभु आपको बहुत ही महान अनुभव प्रदान करेंगे, ठीक है ना। तो अंत में 28वें वचन में हम देखते हैं, इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका, परंतु मुझ दानियल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और इस बात को मैं अपने मन में रखे रहा। तो वहाँ एक स्वर्गदूत क्या कर रहा था? उन्होंने जो भी देखा उनको समझा रहे थे कि आपने ये जो देखा है उसका अर्थ ये है, इस तरह से। ये सब देखकर वो बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि उन्हें एक महान वस्तु समझनी थी ना, तो इसे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। और उनका जो चेहरा है, अचानक से कुछ हम नया देखेंगे तो हमारा चेहरा कैसे होगा? भयभीत होगा, भय से भरा होगा। चलो जूलिया को ही देख लो, उसका चेहरा और उसकी आंखें ऐसी खुली हुई है और वो सोच रही है कि वो क्या देखने वाली है और मैं क्या बोल रही हूँ, यही सोच रही हो ना। अब दानियल भविष्यवक्ता उसी जगह पर थे और वो महिमा भरी चीजें देख रहे थे, तो उनका चेहरा कैसा होगा? पृथ्वी पर जो नहीं होती है वो बहुत सी चीजें स्वर्गलोक में है ना, तो वो सब देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए थे और इसीलिए यहाँ कहा गया है कि उनका चेहरा बदल गया। पर इस बात को उन्होंने अपने मन के अंदर रखा हुआ था, ठीक है ना। तो दानियल की पुस्तक के सातवें अध्याय के पहले वचन के अंत में लिखा है, तब उसने वो स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। समझ गए ना, पहले वो दर्शन देखते हैं, उसके बाद लिखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? अर्थ लिखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, तुम सच्चे भविष्यवक्ता हो जूलिया ना, सही कहा ना, हमें इससे बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए ना। अब वो अर्थ को क्या करते हैं? लिख देते हैं। तो वो लिखते हैं, देखते हैं और लिख कर उसका अर्थ समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं। तो ये समझाने के समय क्या होता है? पवित्र आत्मा समझाते हैं, जो भी हम देखते हैं वो हमें उसका अर्थ समझाते हैं। हाँ, कौन? प्रभु, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा उनके बगल में बैठकर दानियल भविष्यवक्ता को सिखाती है उन्होंने क्या देखा, उसका अर्थ क्या है। और पवित्र आत्मा उकसाती है उनको सोचने के लिए कि उसके अंदर मतलब क्या है। अगर ऐसा पुरानी नियमों की किताब के भविष्यवक्ता के साथ हुआ तो आप तो अंतिम दिनों में हो, यीशु पिता शीघ्र ही आने वाले हैं, अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता का अभिषेक आप में है, तो बहुत सी महान चीजों के विषय में पवित्र आत्मा आपको नहीं सिखाएगी क्या? तो प्रार्थना करते समय आपके पास क्या होना चाहिए? बाइबल और डायरी होनी चाहिए, एक पेन भी होनी चाहिए, ठीक है ना, जो आप देखते हो उसे लिख लेना चाहिए और पवित्र आत्मा से पूछना है, प्रभु ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, और पवित्र आत्मा आपको अच्छे से समझाएगी। वो कितनी बढ़िया बात होगी ना। तो उसी चीज का क्या अब हम अभ्यास करें? तो आप दोनों अलग अलग बैठकर प्रार्थना करोगे, ध्यान करोगे और पवित्र आत्मा की मदद से आप बहुत सारे रहस्यों को प्राप्त करोगे। तैयार हो? तो दोस्तों, आपने शो देखा, हमारे नए दोस्त से मिले आप, उसने भविष्यवक्ता का अभिषेक प्राप्त किया है और अपने आप को रोज तैयार किया है। यीशु पिता उसे दर्शन देते हैं, भविष्य सूचक शब्द देते हैं और सबसे बड़ी बात, वो यीशु पिता से रोज मिलता है, उनके साथ खेलता है और उनसे बात करता है। ये सब बहुत बढ़िया बात है ना सुनने के लिए। तो भविष्यवक्ता के अभिषेक में वो अपने आप को कैसे तैयार करता है, क्या हम उसे देख के समझें? और हम ये भी देखें कि हमारे दोनों दोस्त क्या कर रहे हैं और कौन सा है वो दोस्त जिसे हमें देखना है। हाँ, जॉनी तैयार है। अरे तुम रात
के बीच में क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? अरे रे, लोग तो नींद में अक्सर चलते हैं, पर ये लड़का नींद में लिख रहा है। अब मेरी नींद ही खराब हो गई। ए, क्या लिख रहे हो तुम अंतो? केशव पिता ने जो सपना दिया है ना, मैं उसके विषय में लिख रहा हूँ। सपना? मुझे भी सपना आया था, पर मैं तो भूल गया हूँ। अरे रे, क्या था तुम्हारा सपना? स्वर्गलोक के विषय में। स्वर्गलोक के विषय में? हाँ, तुमने क्या देखा वहाँ? मैंने देखा स्वर्गदूत प्रभु की आराधना कर रहे थे। हाँ, यीशु पिता को देखा? इसने नींद में इस रूम में रखी हुई फोटो को देखा होगा। ठीक है, और क्या था वहाँ पर? स्वर्गदूत किस तरह से आराधना कर रहे थे प्रभु की? वो ना प्रभु की महिमा करने के लिए महिमा भरे गीत गा रहे थे प्रभु के सामने। अरे वाह, उसका मतलब वो जगह तो बहुत ही प्रकाशित होगी ना? हाँ। अरे वाह, इसका मतलब कि तुमने सोने से पहले प्रार्थना की ना? हाँ, की थी। अरे मैं तो बिना प्रार्थना के सो रहा था, पर तुम तो मुझे जगा सकते थे ना? मैंने जगाने की कोशिश की, पर तुम नहीं उठे। कितनी शर्म की बात है। ठीक है छोड़ो, और क्या था वहाँ पर? बताओ ना मुझे स्वर्गलोक के विषय में, मुझे और बताओ ना। वहाँ पर सब स्वर्गदूत खुशी खुशी प्रभु की स्तुति कर रहे थे, और सब स्वर्गदूत खुशी खुशी कीबोर्ड और दूसरे संगीत के यंत्र बजा रहे थे। ऐसा क्या? मैं भी अगले हफ्ते से कीबोर्ड क्लास के लिए जाऊंगा, और वो मुझे स्वर्गलोक में बजाने देंगे। पर तुम तो सो रहे थे ना, तो इतनी स्पष्टता से कैसे बात कर रहे हो? यीशु पिता ने जो मुझसे बात की है, वो ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसा क्या? यानी जिनके पास भविष्यवक्ता का अभिषेक है अंतिम दिनों का, वो नींद में भी स्पष्टता से बात करेंगे स्वप्न देखने के बाद? बढ़िया है। ठीक है, मुझे भी ना तुम्हारी तरह स्वर्गलोक देखना है, बहुत इच्छा है मेरी। जॉनी, चलो हम भी घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, यीशु पिता तुम्हें दिखाएंगे। ठीक है, घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं। यीशु पिता, जॉनी को भी दृश्य दिखाइए, यीशु पिता दर्शन दिखाइए, यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, यीशु पिता उसकी आंखें खोल दीजिए, यीशु पिता उसकी आंखें खोल दीजिए, उन सब बच्चों की आंखें खोल दीजिए जिनकी आंखें अब तक नहीं खुली, यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, हाँ यीशु पिता, इसकी आंखें वैसे ही खोल दीजिए जैसे आपने मेरी आंखें खोली है, यीशु पिता। यीशु पिता, उन सब बच्चों की आंखें खोल दीजिए, यीशु पिता। सारे बच्चे आपके बच्चे हो जाएं, यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, आपके बच्चे हो जाएं, उनको अपने बच्चे बना लीजिए, यीशु पिता। और उनकी आत्मिक आंखें खोल दीजिए, यीशु पिता। यीशु पिता, अपने अभिषेक को उन पर उंडेल दीजिए, और उनको अपने आप को भुला दीजिए, ताकि वो स्वर्ग लोक में आपकी आराधना करे, यीशु पिता। यीशु पिता, अंतिम दिनों का अभिषेक उंडेलिए, अंतिम दिनों का अभिषेक उन पर उंडेलिए, यीशु पिता। यीशु पिता, बहुत से लोग जॉनी के जैसे हैं, यीशु पिता। यीशु पिता, उन पर आप अभिषेक उंडेलिए, ताकि उनके द्वारा आपके बारे में लोगों को पता चलेगा, यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, विनती है यीशु पिता, उनको भर दीजिए और उनको दर्शन प्रदान कीजिए, यीशु पिता। दर्शन दिखाइए उन्हें, यीशु पिता। यीशु पिता, वो उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि वो स्वर्गलोक में आ सके, यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, उनके द्वारा बहुत से दूसरे लोग भी बच जाए, यीशु पिता। उनका उद्धार हो, यीशु पिता। बहुत से लोग उनके द्वारा बच जाए, यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, यीशु पिता, बहुत से लोग उनके द्वारा बचने चाहिए, यीशु पिता। और उनकी आंखें खुल जाए, जैसे जॉनी की आंखें खुली है, और उन्हें आपको देखना चाहिए। प्रभु उनकी आंखें खोल दीजिए। हाँ प्रभु, प्रभु उनकी आंखें खोल दीजिए, ताकि वो आपको देख सके, यीशु पिता। हाँ प्रभु आपको देख सके, हाँ प्रभु आपको देख सके, यीशु पिता। जिन लोगों ने आपको नहीं देखा है, वो भी आपको देख सके प्रभु। ऐसे कोई भी नहीं होना चाहिए प्रभु जिसने आपको नहीं देखा है, सबको आपको देखना चाहिए प्रभु। सबको आपको देखने का अनुग्रह प्रदान कीजिए, यीशु पिता। यीशु पिता, उनको अनुग्रह प्रदान कीजिए कि वो हर एक दिन आपकी आराधना कर सके, यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, यीशु पिता, चाहे जो भी हो, उन्हें आपकी आराधना करनी चाहिए, यीशु पिता। यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे अच्छे पिता, आमीन। तुम तो बहुत अच्छी तरह से प्रार्थना करते हो, मेरे तो पैर दुख रहे, बाप रे। तुमने ना रात में भी स्वर्गलोक का राज्य देखा है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर भविष्यवक्ता का अंतिम दिनों का अभिषेक काम कर रहा है।
ठीक है, हमारे दोस्त जो देख रहे हैं तुम उनसे कुछ बात करोगे? उनको बताओ कि किस तरह से अभिषेक तुम्हारे अंदर काम कर रहा है और किस तरह से तुम ऐसे सपने देख सक रहे हो, बताओगे उन्हें? हाँ बताओ ना, जल्दी बताओ। हेलो दोस्तों, हमें जो भी प्रभु दिखाते हैं वो हमें स्पष्टता से देखना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए उसके विषय में। हमें जॉनी की तरह कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, पर यीशु पिता से पूछना चाहिए और यीशु पिता हमें स्पष्टता से सब कुछ सिखाएंगे। दोस्तों इसी तरह से आपको भी प्रार्थना करनी चाहिए। बाय बाय। हाँ, किसी तरह से अंतों के सब कंफ्यूजन और भय दूर हो गए। वो अपने स्वप्न में कितनी सारी चीजें देखता है, बढ़िया है। मुझे भी सोने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। आज के बाद कोई भी मुझे नींद से नहीं जगाएगा। चलो मुझे सोने दो। दोस्तों क्या आप सबने देखा, बढ़िया था ना? और इसी तरह से आप सबको भविष्यवक्ता के अभिषेक में अपने आप को तैयार करना है और इस तरह से आप बढ़ते जाओगे तो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। बहुत सी चीजें जिनकी प्रभु अपेक्षा करते हैं और उनके आने के मार्ग की तैयारी के लिए जो भी वस्तुएं जरूरी है वो आपके साथ होंगी और इसके लिए मुख्य क्या है पता है? प्रार्थना है। तो हम अपने दोस्तों के साथ प्रार्थना करें। ठीक है, हम सब तैयार है। आपने भी घुटने टेक दिए हैं ना? हम सब अपनी आंखें बंद करके अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। यदि आपको अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना नहीं आता है, आप प्रभु के नाम की स्तुति करके प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, सर्वशक्तिशाली प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी स्तुति करते हैं। रबा शेखे रे बाबा बाबा शेरे बाबा खारा बारा। हर एक बच्चा जिसने भविष्यवक्ता का अभिषेक प्राप्त किया है अपने घर में घुटने टेके हुए है, अपना मुंह खोलकर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करे, यीशु पिता आपको आज भर देने वाले अपनी शक्ति के साथ। ओ रिबा शेखे रे बाबा शेखे रे बाबा बाबा ओ रबा खारा बारा शेरे बाबा खारा बारा। आज प्रभु का हाथ आपको छूने वाला है, आप भविष्यवक्ता के अभिषेक में बढ़ने वाले हो और प्रभु के रहस्य प्राप्त करने वाले रबा शेख है रबा बाबा शेख है रबा रबा। प्रभु की उपस्थिति आज हर एक घर में उतरने वाली है। अगर आप घुटने टेकोगे तो लापरवाही मत करना, अपना मुंह खोल के अन्य भाषा में प्रार्थना करो। आपका भविष्यवक्ता का अभिषेक तेज होना चाहिए। रबा शेख है रबा बाबा शेख है रबा उराबा खरा बारा शेरे बारा शेरे बारा खरा बारा उराबा शेख है बाबा 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 उरी बारा खरा बारा। समर्पित करो अपने आप को, केंद्रित होकर प्रार्थना करो। उरी बारा खरा श्री बारा बारा श्री बारा। हर एक छोटा बच्चा अपना मुंह खोल के जोर से प्रार्थना करे। ऐसा मत कहना कि तुम शांति से प्रार्थना कर रहे हो, मुंह खोल के प्रार्थना करो जोर से। रबा शेख खे रे बाबा। प्रभु पवित्र आत्मा के साथ इन सब बच्चों की आत्माएं जुड़ जाए। प्रभु रबा शेख खे रे बाबा शेख खे रे बाबा बाबा उरी खरा बारा श्री बारा श्री बारा खरा बारा। भविष्यवक्ता की तरह ये सब खड़े हो जाए प्रभु, उनको ढालिए प्रभु, उनको शक्ति प्रदान कीजिए ताकि वो आपके रहस्य प्राप्त कर सके। प्रभु रबा शेख खे रे बाबा बाबा शेख खे रे बाबा बाबा उरी ओरी बारा खारा शेरे बार बाबा ओरे बारा शेरे खारा बारा 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 शेरे बाबा। प्रभु की आत्मा हर एक को ज्वलन कर रही है, भविष्यवाणी करने के लिए शक्तिशाली बना रही है आपको। ओरी बारा खेरे बारा शेरे बारा 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 हेरे बा। अब हम लोग शांति से रहेंगे, यीशु पिता बहुत से लोगों से बात करेंगे, वो आपको भविष्य सूचक शब्द प्रदान करेंगे और आप उनकी भविष्यवाणी करोगे। अब ये छोटा बच्चा इसके लिए प्रार्थना करेगा, क्या हम भी उसके साथ प्रार्थना करें? यीशु पिता सब बच्चों पे अपना अभिषेक उंडेली यीशु पिता। हाँ यीशु पिता उंडेली यीशु पिता अभिषेक सब पे यीशु पिता। यीशु पिता कोई भी छोटा बच्चा पिशाच के नजदीक नहीं जाना चाहिए, कोई भी छोटा बच्चा अभिषेक के बिना नहीं रहना चाहिए। यीशु पिता अपना अभिषेक उन सब पर उंडेली यीशु पिता उनको अभिषेक उंडेली और उनको दर्शन दिखाइए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता अपना अभिषेक उन पर उंडेली यीशु पिता अभिषेक उंडेली बिनती है यीशु पिता अभिषेक उंडेली सब छोटे बच्चों पर उंडेली अभिषेक यीशु पिता। हाँ यीशु पिता सब पे अभिषेक उंडेली अभिषेक उंडेली सब पे यीशु पिता और सबको आशीर्वाद दीजिए, हम सबको आशीर्वाद दीजिए यीशु पिता उन्हें वो सब दिखाइए जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं यीशु पिता। हाँ यीशु पिता उनको दिखाइए बिनती है यीशु पिता उनको सारे दर्शन दिखाइए जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं और उनको सिखाइए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता सिखाइए उनको यीशु पिता सिखाइए यीशु पिता उनको अभिषेक प्रदान कीजिए और उनको उजागर कीजिए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता
यीशु पिता उनकी आत्मिक आंखें खोलिए यीशु पिता उनको अनुग्रह प्रदान कीजिए कि वो आपसे बात कर सके यीशु पिता, वो आपसे बात करने के लिए उत्सुक है यीशु पिता, हाँ यीशु पिता तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए यीशु पिता, हाँ यीशु पिता उनसे अभी इसी वक्त बात कीजिए यीशु पिता, हाँ यीशु पिता वो आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं यीशु पिता, उन्हें वो सब कुछ दिखाइए जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं यीशु पिता, उन्हें ले जाके स्वर्ग लोक दिखाइए यीशु पिता, बिनती है उन पर अभिषेक उंडेली यीशु पिता, हाँ यीशु पिता सब उलझनों को और अड़चनों को हटा दीजिए, कठिनाइयों को हटा दीजिए यीशु पिता सब बाधाएं हटा दीजिए, कोई भी चीज उन्हें नहीं रोकनी चाहिए यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करता हूँ मेरे अच्छे पिता। दोस्तों आप सबने प्रार्थना की, आप सबने अपने अंदर का भविष्यवक्ता का अभिषेक ज्वलंत होते हुए महसूस किया ना, यीशु पिता ने उस बच्चे के द्वारा आपसे जो बात की क्या आपने उसका नोट किया, ऐसे ही यीशु पिता आपको भी प्रदान करेंगे भविष्यवाणियां और उजागर करेंगे। अरुण मुगल की ईमेल आईडी पर हमें लिखिए, भविष्यवक्ता के अभिषेक में हमेशा बढ़ते रहिए, भविष्यवाणी करते रहिए, महाराजी यीशु पिता के आने का मार्ग तैयार करते रहिए। ठीक है दोस्तों अब मैं चलती हूँ, अगले हफ्ते मिलते हैं, बाय। Are you?